वैसे कई बार ना बड़ा सैड लगता है बेचारी अनुपमा के लिए। वो सबके लिए इतना कुछ करती है लेकिन कोई भी उसको समझ नहीं पाता। लेकिन कुछ हुआ है कि हमारी अनुपमा को उर्फ मोनिशा, याद है आपको, मोनिशा साराभाई को याद आ गई अपनी माया साराभाई सास की। क्यों, जरा देखिए तो सही। सारा भाई वर्सेस सारा भाई की वो मशहूर सास बहू की जोड़ी माया और मोनिशा तो आपको याद ही होगी ना। अब माया सासू मॉम ये कितनी हाई फाई थी, उनका रहने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल, ये सब कुछ एकदम हाई क्लास का था। तो वहीं उनकी बहू मोनिशा जो एकदम सीधी सादी और भोली भाली थी, मोनिशा को तो ये पता ही नहीं था कि हाई स्टैंडर्ड, हाई क्लास ये सब क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम होता है। मोनिशा और माया के बीच हमेशा इसी बात को लेकर जंग छिड़ी रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से जब हम अनुपमा से मिले तो भाई हमें मोनिशा और माया की बातें क्यों याद आ गई। अरे भाई हमें याद नहीं आई है, याद तो बल्कि खुद मोनिशा को आई है जो इन दिनों अनुपमा के किरदार में खूब तारीफें बटोर रही हैं। सारा भाई के समय पे मैंने 3 महीने में कुछ 12 किलो कम किए थे। इन 3 months टाइम आई लॉस्ट 12 किलो, विच इज अ वेरी गुड दिस थिंग। वो मैं आपको डायट बता सकती हूँ अगर आप लोग फॉलो कर पाएँ तो। या तो इस वक्त मैंने कोशिश की थी अनुपमा के लिए थोड़ा वज़न कम करना, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजन शाही जी, वो तो नहीं, तू पतली मत, तू ऐसी अच्छी लगती, तू माँ लगती है। तो वो भी मतलब एक तो वो मोटिवेशन भी यू नो नहीं था उसमें। तो ये JD भाई ने कहा था कि मोनिशा 3 महीने हैं अपने पास, पतली हो जा, जो करना है कर, किसी तरह से पतली हो जा। जब वो मोनिशा का किरदार करती थी तो मम्मी जी उन्हें किस तरीके की सीख दिया करती थी, एक कैसे अंग्रेजी सिखाया करती थी और हर चीज को एक कैसे परफेक्ट करना चाहिए ये बताया करती थी। इन सब बातों को आज रूपाली ने ताजा कर दिया है। प्लीज, मैंने सारा भाई किया रत्ना बहन के साथ, तो मुझे ऐसे थोड़े प्रोनाउंसिएशन आते हैं, सिखाया था उन्होंने। जैसे कि मैं पहले ना वो जो ऐसे ना HORS वो वर्ड है ना, तो मैं उसको बोलती थी होर्स द उवरस, ठीक है, सारा भाई करने के पहले। तो सारा भाई में रत्ता, मैंने बोला व्हाट इज दैट, कम हियर। सो आई सेड होर्स द उवरस, वो जो देते ना प्लेन में, तो बोलते इट्स ओडर्व्स। तो इतना लंबा क्यों लिखने का मतलब, लिखूं बताओ। अब इसको पढ़ोगे कैसे, होर्स द उवरस। अभी इसको कौन बोलेगा कि ये ओडर्स है, ओ ड ज। अभी इसको इतना सारा लेटर क्यों वेस्ट करने का, कोई लॉजिक ही नहीं है इतना सारा, यू नो इट्स जस्ट इंग्लिश इज बस। खैर, मोनिशा और माया की जोड़ी की बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। आज हम बात करते हैं अनुपमा की, यानी कि रूपाली गांगुली की, जिनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी होती है जब सब्जियों को इंग्लिश नाम में प्रोनाउंस करना होता है। करेले और तुरई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हींग जिसके बिना दाल का तड़का नहीं लगता है उसका अंग्रेजी नाम क्या है, और तो और ऐसी कितनी सब्जियां हैं जिनका अंग्रेजी में नाम क्या है ये तो भाई बहुत लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब दुकानदार के पास जाते हैं तब अंग्रेजी में जरूर छाटते हैं कि भैया जरा वो सब्जी देना, जरा इस सब्जी को हिंदी में क्या कहते हैं बताना। गल का पडवल टिंडोला, टिंडोला इज दैट गुजराती फूड ना, टिंडा एक तो ऐसे लंबा वाला होता है, वो कौन सा वाला होता है, टिंडा कौन खाएगा यार, नाम सोचो टिंडा। आई मीन लाइक ऐसे खाने में थोड़ा रोमांस होना चाहिए ना। आप जैसे अगर करेला, मेरा फेवरेट फूड है, तो करेला कितना साउंड अच्छा करता है, आलू इट साउंड सो गुड, यू नो टमाटर, ककड़ी इट साउंड सो गुड। अब ये टिंडा बोलोगे तो कौन खाएगा, पर टिंडा स्क्वॉश तो नहीं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वॉश, ओके रिज्ड, रिज्ड गुड ना, रिज्ड गुड, रिज्ड
रिजिड गोल व्हाटएवर इज मेरे प्रोनंसिएशन तो भगवान वाले थे सॉरी अरे बाप रे पता है प्रोनंसिएशन नहीं आती Wait, I'm just gonna write it. I'm not gonna pronounce it. तो इतना स्पेलिंग वेस्ट क्यों करने का इतने लेटर्स क्यों वेस्ट करने के जो बोलना ही नहीं है तो ए भगवान एसेटो फोर्टीडा की जगह एसो फिटीडा पता नहीं क्या बोला असो फटी देखो ओ वेस्ट क्या क्या कितने लेटर वेस्ट हो बकवास इंग्लिश बकवास एकदम जो सब्जियों के नाम लेते इंग्लिश क्यों बोलना है यार हाँ इंडिया में रह रहे हैं हम लोग ओ भैया जी स्पिनिच देना ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे भैया जी पालक पालक दो पालक ऐसा एक जोड़ी पालक ऐसे बोलोगे ना तो स्पिनिच स्पिनिच कौन बोलता है उसके बाद वो क्या आता है केल केल क्या होता है पता है हिंदी में मेरे को भी नहीं मालूम और पता नहीं ऐसे मतलब बाहर की सब्जियां हैं तो ऐसे लोग टूट पड़ते हैं खाते इंडिया की सब्जी खाओ ना अबे इंडिया में रहते हो प्राउडली हिंदी में नाम लो ना सब्जियों के और कौन सा तुम्हारा भैया जी बताएगा पॉइंटेड गॉड क्या स्प्राउट्स भैया जी स्प्राउट्स कैन यू टेल मी व्हाट इज स्प्राउट्स स्प्राउट्स पोटैटो टोमेटो अरे क्यों टमाटर है आलू है आपको पता है इसका सही बटाटा है बटाटा अब रूपाली आप टेंशन मत लीजिए और आप ये मत सोचिए कि ऐसा सिर्फ आप ही नहीं कर पाती हैं खूब सारे लोग ऐसे होते हैं जो सच में इस सब्जियों के इंग्लिश नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं इसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है फिलहाल तो आप अपने डाइट के बारे में बताइए कि अनुपमा के किरदार के लिए आपको क्या क्या डाइट फॉलो करना पड़ रहा है बट अभी जैसे राजा ने कहा नहीं इट्स ओके नहीं ऐसे ही चाहिए तो फिर खाते पीते रहते और यहाँ पर सब एक से खाना लाते जैसे सुधांशु की जो वाइफ है मोना वो कमाल पराठे भेजती है उसके बाद फिर जो हमारी अल्पना जी हैं बा वो तो सुपर गुजराती खाना लाती है डॉली उसके हस्बैंड बना के कमाल खाना भेजते हैं अच्छा तो ये बात है अब आप एकदम टेंशन फ्री हो गई हैं क्योंकि आप जैसी हैं वैसे ही अच्छी लगती हैं तभी तो हाथों हाथ अनुपमा सीरियल को लोगों ने इतना पसंद किया है अब आपके इस किरदार से आम गृहणियां जुड़ गई हैं तो आप जो भी करेंगी जैसा भी करेंगी उसका असर गृहणियों पर तो जरूर होगा तो अगला स्पेशल हम आपके साथ क्या कर रहे हैं ये हम जरूर सोचेंगे और आपके पास जल्द से जल्द दोबारा आएंगे मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे